हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में वाउचर टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए एक आपको डेमो दिखाता हूँ। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और यहाँ से रेफरेंस नंबर डाल देते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पर डेटा पार्टी का लेजर आएगा, एंटर प्रेस करते हुए इसको कराते हैं एक्सेप्ट और जैसे एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पर अब हमें देखिए लैपटॉप 6 मौजूद है तो 4 हम इसको सेल कर देते हैं। 70,000 का सेल करेंगे, 70,000 का सेल करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए इसको कराएंगे एक्सेप्ट। ठीक है, ये एक्सेप्ट करा लिया। अब इस बिल को देखेंगे जो बिल जनरेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर का सेल्स वाला वाउचर ये यहाँ पे बिल जनरेट हुआ है। यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए विद प्रीव्यू करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही यस करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा क्रेडिट सेल, दिख रहा है कि नहीं? तो ये क्रेडिट सेल यानी उधार की बात करी जा रही है। अब ये आया कैसे, इसका मतलब कैसे ये हुआ, ये समझते हैं। तो यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, फिर यहाँ पर नीचे मिलता है आपको वाउचर टाइप, यहाँ से चले जाइए। और यहाँ पर अगर आप नया वाउचर टाइप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फिलहाल हम अल्टर करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम परचेज के लिए एक वाउचर टाइप बनाते हैं। सेल्स के लिए तो बना लिया, परचेज के लिए बना लेते हैं। तो ये परचेज में गए, यहाँ पर देखिए परचेज नाम का वाउचर टाइप क्या है, पहले से मौजूद है। ठीक है, एंटर करते हुए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नाम दे देते हैं, लाइक परचेज ऑन क्रेडिट कर देते हैं। ये लिखा परचेज ऑन क्रेडिट, CREDIT, तो ये लिख दिया परचेज ऑन क्रेडिट। और यहाँ पे ग्रुप को इंक्लूड और एक्सक्लूड कराना है, तो अभी हमें जरूरत नहीं है किसकी, इसकी जरूरत नहीं है बैंक OCC अकाउंट की और दूसरी ब्रांच और डिवीजन की जरूरत नहीं है और कैश इन हैंड की जरूरत नहीं है और डेटर पार्टी की भी क्या जरूरत, जबकि क्रेडिटर पार्टी यहाँ आनी है। तो इसको एक्सक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने में हम सन्डरी क्रेडिटर को और बैंक अकाउंट को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पर लेजर नेम अपने आप आ जाता है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको कराएंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारा वाउचर। फिर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद यहाँ से बी प्रेस करके वापस आ जाते हैं वाउचर में एंट्री पास करने के लिए। तो यहाँ से चलेंगे परचेज वाउचर में, ये आ गए परचेज वाउचर। जैसे ही परचेज वाउचर में आते हैं तो यहाँ पर आपको वाउचर टाइप दिखाई पड़ता है परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। तो यहाँ पर वाउचर पे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा परचेज ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए, वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग। और यहाँ पर केवल क्रेडिटर पार्टी का ही लेजर आपको नजर आएगा, देख सकते हैं केवल क्रेडिटर पार्टी और बैंक का लेजर नजर आ रहा है, समझ में आ रही है बात। एंटर किया। अब यहाँ पर आ गए। अब फिर लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप 7 और परचेज कर लेते हैं, 50 का एक परचेजिंग पड़ रहा है हमें। ठीक है, और इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। नरेशन चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।